कॉमेडी और एक्शन का फुल डोज लेकर आ गई 2024 की सबसे बड़ी एक्शन एंटरटेनर फिल्म BMCM और आते ही बॉक्स ऑफिस के सारे बड़े रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिनेमाघरों को स्टेडियम में बदल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले खिलाड़ी कुमार की फिल्म BMCM के बारे में कि फिल्म को रिव्यूज कैसे मिले, फिल्म को रेटिंग कितनी मिली और फिल्म अपने पहले दिन आज कितने करोड़ की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से करने वाली है और ओवरसीज से फिल्म का कलेक्शन आज का कितना आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के रिव्यूज के बारे में। तो जैसा सभी को उम्मीदें थी, फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिल चुका है। जी हाँ, फिल्म को काफी ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है और फिल्म लोगों की उम्मीदों से भी कहीं बेहतर निकल चुकी है। जी हाँ, जैसा फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया था, देखने में काफी सिंपल लग रहा था, लेकिन उसके हिसाब से फिल्म की स्टोरी लाइन काफी जबरदस्त है। जी हाँ, फिल्म में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स तो सभी का दिमाग हिलाकर रख देता है, जिसके चलते फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन कुछ मामलों में ये फिल्म थोड़ी कमजोर रह जाती है, जिसके चलते फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी गई है। जी हाँ, डायरेक्शन के मामले में तो यह फिल्म काफी जबरदस्त है, साथ ही परफॉर्मेंस के मामले में भी यह फिल्म नंबर 1 है। जी हाँ, फिल्म के सभी एक्टरों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी है। खासकर बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस सबसे बढ़कर है और इन्होंने एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, सुपरस्टार अक्षय कुमार ने बता दिया कि आज भी ये बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो हैं। आइए अब बात कर लेते हैं फिल्म के कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में। तो ये फिल्म लॉजिकली थोड़ी कमजोर रह जाती। जी हाँ, फिल्म में लॉजिक की थोड़ी कमी देखी जा रही है और फिल्म की स्टोरी भी थोड़ी कमजोर देखी गई, जिसके चलते फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी गई। लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जो की ऑडियंस का दिल जीत रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है की ये फिल्म अक्षय कुमार का काफी धमाकेदार कमबैक कराने वाली है। आइए अब बात कर लेते हैं फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो ये फिल्म आज मॉर्निंग से ही लगभग 25 से 30% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई थी और फिल्म की एडवांस बुकिंग लगभग 5 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि फिल्म को अपने पहले दिन लगभग 11,000 से भी ज्यादा शोज मिल चुके हैं, जिस पर यह फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 25 करोड़ की कमाई तो सिर्फ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से करने वाली और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन लगभग 35 करोड़ का आने वाला है, जो कि अपने आप में काफी शानदार है। और फिल्म को मिल रहा धमाकेदार रिस्पॉन्स के बाद कल से फिल्म के कलेक्शन में काफी अच्छे जंप देखने को मिलेगा और ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। साथ ही बात करें फिल्म की कुछ और बेहतरीन चीजों के बारे में, तो फिल्म का जबरदस्त और रियल एक्शन सभी का दिल जीत रहा है। जी हाँ, फिल्म में काफी कम VFX का यूज किया गया है, लेकिन जितने भी VFX यूज किए गए हैं काफी जबरदस्त है और फिल्म का रियल एक्शन ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और फिल्म को देखने के बाद पता चल रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, इन्होंने कितना ज्यादा हार्डवर्क किया, साथ ही टाइगर श्रॉफ पर अक्षय कुमार की मेहनत भी साफ साफ दिखाई दे रही है। फिल्म का म्यूजिक तो ठीक ठाक है, लेकिन फिल्म के जबरदस्त BGM ने फिल्म को काफी ज्यादा इंगेजिंग बना दिया, फिल्म में 4 चांद लगा दिए। जी हाँ, फिल्म के BGM की वजह से यह फिल्म ऑडियंस को शुरू से लेकर आखिरी तक बांधे रहने में कामयाब रहती है। और फिल्म की स्टोरी थोड़ी कमजोर है, लेकिन ज्यादातर लोगों को फिल्म की स्टोरी भी काफी पसंद आ रही है। लेकिन कुछ लोग जो फिल्म में ज्यादातर स्टोरी को ही मायने देते हैं और लॉजिक ढूंढते रहते हैं, उन लोगों को यह फिल्म थोड़ी कमजोर लग रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह फिल्म 2024 की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन एंटरटेनर फिल्म बन चुकी है। तो अगर आप सभी ने यह फिल्म देख ली तो आप सभी को यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।